हुआ कि ये क्या जगन्नाथ जी के वक्ष स्थल पर ये पत्ता कहाँ से आया? क्या कल रात को कोई यहाँ आया था? बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वे लोग जिन्हें रत्न वेदी पर विराजमान भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन होते हैं। ऐसा ही कुछ सौभाग्य प्राप्त हुआ था जयपुर के राजा जयसिंह देव और उनकी पत्नी चंद्रावती को। जब उड़ीसा के राजा ने उन्हें अपने राज्य में आमंत्रित किया था तो जयसिंह देव और उनकी पत्नी को थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द उनका जीवन बदलने वाला था। वे खाली हाथ उड़ीसा नहीं आए थे, लेकिन खाली हाथ वापस भी नहीं जाएंगे। एक बहुत बड़ा उपहार उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। श्री मंदिर में भगवान जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जी के दर्शन करने गए तो पुजारी ने उनसे कहा, हे राजन, ये जो जगन्नाथ जी को अर्पित भोग आप देख रहे हैं ना, वो कोई साधारण खाद्य पदार्थ नहीं है। इन्हें लक्ष्मी देवी स्वयं पकाती है, और वो भी अपने पति भगवान जगन्नाथ जी के लिए। और फिर जब वे इस भोग का स्वीकार कर लेते हैं तो फिर वो प्रसाद विमला देवी को सबसे पहले अर्पित किया जाता है, और इस प्रकार जब ये प्रसाद विमला देवी के पास से होकर आता है तो ये महाप्रसाद बन जाता है। इसको कभी भी साधारण मत समझिएगा। हाँ, ये साधारण खाद्य पदार्थ नहीं है। इसे जो खाता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और जीवन के अंत में वैकुंठ मिलता है, वैकुंठ। हाँ, ये लीजिए, आप भी इस महाप्रसाद का स्वीकार कीजिए। महाप्रसाद ग्रहण करके राजा और रानी ने धन्यता का अनुभव किया। रानी चंद्रावती ने जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि उन्हें लक्ष्मी देवी जैसी एक पुत्री प्राप्त हो जिसे वे जगन्नाथ जी की सेवा में अर्पित करेंगी। और इतने पवित्र मन से की गई रानी की प्रार्थना जगन्नाथ जी कैसे अनसुनी कर सकते थे। एक वर्ष के अंदर ही राजा जयसिंह देव और चंद्रावती के घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। नाम रखा गया विष्णुप्रिया। जैसा मांगा था बिल्कुल वैसा ही पाया। ये कन्या साक्षात लक्ष्मी देवी जैसी लग रही थी। जब उसे कोई देखता तो देखता ही रह जाता। विष्णुप्रिया के शरीर को स्पर्श करके निकलने वाली पवन बगीचे में खिले पुष्प से बातें करती। वो कहती, अरे ओ सूरजमुखी, अब तू अपना चेहरा सूरज की तरफ नहीं विष्णुप्रिया की ओर मोड़ ले, क्योंकि उससे सुंदर तुम्हें इस जन्म में कोई और नहीं दिखने वाला। हाँ, तभी वहाँ से निकलने वाला भंवरा भी इन दोनों की बातों में अपना सुर पुरता हुआ कहता, हाँ बिल्कुल सही कहा, सिर्फ सुंदरता नहीं गुण चारित्र में भी ऐसी राजकुमारी मैंने कभी नहीं देखी। उतने में पेड़ के टहनी पर बैठा तोता बोलने लगा, राजकुमारी विष्णुप्रिया की जय हो, राजकुमारी विष्णुप्रिया की जय हो। दिन और रात का चक्र समय की लहरों पर बीतता चला गया। राजकुमारी बड़ी होने लगी। एक समय रानी चंद्रावती अत्यंत बीमार हो गई। अनेक वैद्य और चिकित्सक आए, इलाज किया, लेकिन रानी की शारीरिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। ऐसे समय में राजकुमारी विष्णुप्रिया ने अपनी माता की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिन रात वे उन्हीं के साथ बिताती। एक दिन जब वे अपनी माता के साथ बैठी हुई थी तो उसने राजमहल के बाहरी मार्ग पर किसी को गाते हुए सुना। उसे लगा कोई भिक्षुक होगा, लेकिन उसके गीत इतने मधुर थे कि वो स्वयं को रोक नहीं पाई। झरोखे से विष्णुप्रिया ने देखा तो कोई सन्यासी जैसा लग रहा था। उसने तुरंत अपनी दासी को भेजा और कहा, जाओ पता करो कौन है वहाँ। दासी जब वापस आई तो उसके हाथ में एक पात्र था, और उसने विष्णुप्रिया से कहा, राजकुमारी वो तो जगन्नाथपुरी से आए हुए एक सन्यासी हैं। उन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजा है, और ये कैवल्य महाप्रसाद भी। उन्होंने कहा है कि ये जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है, उसे महारानी को दे दो, और जगन्नाथ जी से प्रार्थना करो आपकी माता जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगी। दासी की बात सुनकर और हाथ में जगन्नाथ जी के महाप्रसाद को लेकर विष्णुप्रिया को एक रोमांच हो आया, जैसे मानो कोई पुराने रिश्ते के तार जुड़ गए हों। उसके हृदय में प्रेम और आनंद की लहरें उठने लगी। उसने ये महाप्रसाद अपनी माता को दिया। रानी चंद्रावती ने जैसे ही प्रसाद ग्रहण किया उन्हें लगा जैसे वे शुद्ध हो गई हैं। शरीर में एक नवीन ऊर्जा का संचार हुआ, और कुछ ही दिनों में रानी बिल्कुल स्वस्थ हो गई।
इस प्रसंग के बाद राजा जयसिंह देव और रानी चंद्रवती का जगन्नाथ जी के महाप्रसाद में विश्वास और बढ़ गया। लेकिन विष्णुप्रिया के मन में इस प्रसंग के बाद प्रेम के अंकुर उदित होने लगे, मानो पूर्ववरुण अनुबंध जागृत हो गया था। अब जब भी कोई पुरी से आता तो विष्णुप्रिया जगन्नाथ जी के विषय में उनसे पूछती और ध्यान से भगवान जगन्नाथ के गुणगान सुनती। एक दिन पुरी से एक पंडा जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेकर राजा से मिलने के लिए आता है। राजा जयसिंह देव ने अत्यंत सम्मान के साथ उनकी उत्तम देखभाल की। कुछ दिन रुकने के पश्चात जब वे वापस जाने लगे तो राजा ने जगन्नाथ जी के लिए उन्हें अनेक भेंट और उपहार दिए। लेकिन विष्णुप्रिया सोचने लगी, जगन्नाथ जी तो स्वयं लक्ष्मी देवी के पति हैं, उनके पास किस ऐश्वर्य की कमी है? फिर मैं ऐसा क्या उपहार उनके लिए भेजूं जो उन्हें प्रसन्न कर सके? आखिरकार उसे एक उपाय मिल गया। विष्णुप्रिया ने एक भोजपत्र लिया, सुनहरी कलम ली, कस्तूरी को मसल कर एक विशेष सुगंधित स्याही तैयार की। अपने हृदय के प्रेम को प्रकट करते हुए एक पत्र लिखा, उसे सुंदर डिब्बे में रखा और पंडे को दे दिया। इसके साथ ही उसने पंडे को निवेदन किया कि ये मेरा जगन्नाथ जी के लिए उपहार है, इसे कृपया आप जगन्नाथ जी तक पहुंचा दीजिए। और इसके बदले में विष्णुप्रिया ने उस पंडे को एक सुवर्ण मुद्रा भी दी। अब ये जगन्नाथ जी के पंडे निकल पड़े पुरी जाने के लिए। मार्ग में उन्होंने सोचा कि राजकुमारी का ये डिब्बा तो बड़ा सुंदर है, लाओ तो जरा देखो तो सही कि इसमें ऐसा क्या मूल्यवान है जो वह जगन्नाथ जी को भेज रही है। ये सोचकर उसने डिब्बा खोला तो देखा उसमें एक भोज के पत्ते पर कुछ संस्कृत में लिखा हुआ था। अब ये देखकर उसे गुस्सा आ गया, ये राजकुमारी पागल है क्या? जगन्नाथ जी के लिए एक मामूली पत्ता भेजा है, इस तुच्छ पत्ते को इतनी दूर ले जाने का क्या फायदा, फेंको इसको यहीं पर, बेवकूफ राजकुमारी। इस प्रकार बोलते हुए पंडे ने राजकुमारी के उस पत्र को वहीं मार्ग में फेंक दिया और वापिस आ गया। घर पहुंचकर अच्छे से उसने विश्राम किया। थकान के कारण जब नींद आ गई तो हमारे प्यारे भक्त वत्सल जगन्नाथ जी पहुंच गए उस पंडा के पास स्वप्न में और अच्छे से डांट फटकार लगाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे उपहार को हाथ लगाने की? तुम्हारे लिए जो जो रत्न आभूषण राजा ने दिए थे वो तो सब तुम लेके आ गए, लेकिन राजकुमारी विष्णुप्रिया ने जो मेरे लिए भेजा था उसे तुमने रास्ते में फेंक दिया, स्वार्थी, और अब आकर यहाँ आराम से सो रहे हो, धूर्त कहीं के। जगन्नाथ जी को इस प्रकार क्रोध में देखकर पंडा घबरा गया। उसने कहा, प्रभु कौन सा उपहार, वो तो सिर्फ एक भोज पत्र था, तुच्छ पेड़ का पत्ता। जगन्नाथ जी ने बीच में ही उसकी बात को काट दिया, अरे मूर्ख, मेरे लिए वो पत्ता सबसे अनमोल था, राजकुमारी ने अत्यंत प्रेम और स्नेह से मुझे पत्र लिखा था और तुमने उसे व्यर्थ समझकर फेंक दिया। उसके समान कीमती कोई भी धन संपत्ति मेरे पास नहीं है, जब तुमने उस मार्ग में फेंक दिया था तो मैंने उसे वहां से उठा लिया था, अब कल मेरे मंदिर में आकर तुम स्वयं देखना, वो मेरे पास मिलेगा तुम्हें, बेवकूफ। इतना कहकर जगन्नाथ जी अदृश्य हो गए। वह पंडा घबरा गया। अगले दिन प्रातः काल वह अपने स्वप्न की सच्चाई जानने के लिए मंदिर में गया। जब मंदिर के कपाट खुले तो सभी लोग हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी के वक्ष स्थल पर कुछ पत्ते जैसा लटक रहा था। सभी लोग अपने अपने तर्क लगाने लगे कि ये क्या हो सकता है। आखिर में वह पंडा मुख्य पुजारी के पास गया और उसने सारा वृतांत कह सुनाया कि किस प्रकार राजकुमारी विष्णुप्रिया ने भेजा हुआ पत्र जगन्नाथ जी स्वयं अपने पास ले आए थे। ये सुनकर पुजारी ने मन में सोचा कि ये तो एक सामान्य पत्ते का टुकड़ा लग रहा है, इसका क्या मूल्य हो सकता है। ये सोचते हुए उसने ध्यान पूर्वक उस पत्ते को वेदी से उठाया और उसे खोल कर देखा तो उसमें एक सुंदर संस्कृत का श्लोक लिखा हुआ था जिसमें राजकुमारी ने अपने मन की बात जगन्नाथ जी से कही थी और वो श्लोक इस प्रकार था, रत्नाकरस्त्व गृहं गृहिणी च लक्ष्मी किं देयमस्ति भवते पुरुषोत्तमाय आभीर गोपललनारित मानसाय दत्तं मनस तदनु मे कृपया गृहाण। इस श्लोक का अर्थ ये होता है कि हे प्रभु, श्री क्षेत्र जो भी आता है वह कुछ न कुछ उपहार लेकर आता है,
मैंने भी सोचा कि मेरे प्रेम की निशानी के रूप में मुझे भी आपको कुछ देना चाहिए, किंतु मैं क्या दे सकती हूँ? आप तो स्वयं क्षीर सागर में शयन करते हैं, जो समस्त रत्नों का भंडार है। आपकी पत्नी स्वयं लक्ष्मी देवी है, जिनकी कृपा से लोग समस्त धन संपत्ति प्राप्त करते हैं। आखिर अनेक बार सोचने पर मैंने निर्णय लिया कि जब आप वृंदावन से प्रस्थान करके मथुरा चले गए थे ना, तो उस समय वृंदावन की गोपियों ने आपका मन चुरा लिया था, इसलिए मैं आपको अपना मन दे रही हूँ। कृपया अपने चरण कमलों में मेरे मन को स्वीकार कीजिए। जब पुजारी और वहां उपस्थित सभी ने इस पत्र को पढ़ा तो उनकी आंखों में प्रेम अश्रु प्रवाहित होने लगे और राजकुमारी को उन्होंने प्रणाम किया। क्या आपने कभी भगवान के लिए प्रेम पत्र लिखा है? और हाँ, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।